कई वर्षों से लग घाटी के लोग, कर्मचारी सहित स्कूली और कॉलेज के छात्रों को जाम की समस्या से दो-चार होना पड़ रहा है। मात्र आधा किलोमीटर के लिए लोगों को घंटों जाम में ही गुजारने पड़ते हैं। यहाँ जाम की समस्या का एक बड़ा कारण यह भी है कि प्राइवेट गाड़ियाँ भी ढालपुर से शिमाठी के अंतिम छोर तक लगी होती हैं। ऐसे में बड़ी बसों को पास देने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती, जिस कारण से आए दिन जाम की समस्या पेश आ रही है। वहीं पुलिस प्रशासन भी हर दिन गाड़ियों का चालान काटते हैं, फिर भी लोग सड़क के किनारे गाड़ी पार्क करते हैं। यहाँ ये तो एक तो प्राइवेट गाड़ियाँ लगी होती है, जहाँ पासिंग पॉइंट है वहाँ पर प्राइवेट गाड़ियाँ होती है और बड़ी गाड़ियों के लिए जगह नहीं होती। और डेली यहाँ जाम लगता है, डेली की प्रॉब्लम है। मतलब कि दूसरे तीसरे दिन अब पुलिस वाले डेली चलान कर रहे हैं, तब भी नहीं ये प्राइवेट गाड़ी वाले मानते, अब क्या करना। अब दिल्ली का काम है, समस्या तभी हल होगी जब यहाँ जो बाईपास बोल रहे हैं भी बाईपास निकलना, जब तक बाईपास का काम नहीं शुरू होता है या लग जाता तब तक लोग ऐसे ही परेशान होंगे, क्या करना। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।